हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चिकन की रेसिपी। इसके पहले भी मैं चिकन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हूं, बट उससे ये सबसे अलग है। चिकन की रेसिपी देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है, ये बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। ये तरीका बिल्कुल ही अलग है, एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कॉमेंट में बताइएगा कि कैसा बना था। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आई होप रेसिपी पसंद आएगी। लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वीटी, वेलकम टू माय चैनल स्वीटी रियल लाइफ। चिकन बनाने के लिए ये 500 ग्राम में चिकन ले ली हूँ। उसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक। इसके बाद इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। चिकन को पहले अच्छे से वाश कर लिए हैं थे, इसको अच्छे से मिला ली हूँ मैं। इसे ढक के साइड में 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जब तक ये चिकन रेस्ट कर रहा तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे मसाले की तैयारी कर ली हूँ। प्याज को काट ली हूँ, टमाटर का पेस्ट बना ली हूँ और यहाँ सब मसाले ले ली हूँ। चलते हैं गैस की तरफ। चिकन भी रेस्ट कर चुका है, गैस पर रख दिए हैं कढ़ाई। कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। जब कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। मैं यहाँ सरसों तेल यूज कर रही हूँ। सरसों तेल में चिकन बहुत ही अच्छा बनता है। मैं यहाँ 4 टेबल स्पून तेल ली हूँ। जब ऑयल गर्म हो जाएगा गैस को कर देंगे मीडियम। उसमें एक एक चिकन ऐसे डालेंगे। सारे चिकन को ऐसे ही एक एक करके डाल देंगे। उसके बाद इसे ढक देंगे, गैस के फ्लेम को हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे इसे तलेंगे। इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब चिकन को बिना ढके हुए इसे फ्राई करना है। गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे और इसे बीच बीच में चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, चिकन गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। सारे चिकन को निकाल लिए हैं। अब इसमें डाल देंगे हम तेजपत्ता और एक खड़ा गरम मसाला। उसके बाद डालेंगे जीरा और सूखी लाल मिर्च। इन सबको अच्छे से भून लेते हैं। कढ़ाई में जो ऑयल बचा हुआ था उसी में हम बना रहे हैं, दूसरा ऑयल यूज नहीं कर रहे हैं। चिकन फ्राई करने में ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है। जब ये सब मसाला खड़ा मसाला भून जाएगा उसमें डाल देंगे हम प्याज और एक लहसुन भी ऐसे ही रखे हैं, चूसने में बहुत ही अच्छा लगता है। गैस को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे प्याज को ब्राउन होने तक भूनना है। जब प्याज आधा भून जाएगा उसी में डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी इसी में मिला लेंगे और प्याज के साथ ही इसको भी भूनना है। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर जो पीस के रखे थे, वो दोनों को एक साथ मिला लेंगे और 1 मिनट तक टमाटर और प्याज को भूनेंगे। गैस को मीडियम ही रखना है। टमाटर और प्याज को भूनते हुए 1 मिनट हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे मसाला। मसाले में मैं ली हूँ 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप अपने हिसाब से तीखा कर सकते हैं, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च और जीरा पाउडर, 2 चम्मच चिकन मसाला, स्वाद के अनुसार नमक। फ्राई करते समय भी नमक डाले थे इसलिए अभी नमक हम कम डालेंगे। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। मसाले को अच्छे से मिला लेंगे। गैस को मीडियम करके मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले और ऑयल अलग ना होने लगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे मसाले को। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले से ऑयल अलग होने लगा है। मसाले को भूनने में मुझे 5 मिनट लग गए हैं। इसे मीडियम फ्लेम पे आराम से भूनना पड़ेगा।
मसाले अच्छे से जब भुन जाएंगे उसमें जो फ्राई किया हुआ चिकन था उसको डालेंगे, फिर इन दोनों को पूरा मिला लेंगे अच्छे से। इसी में डाल देंगे फ्रेश हरा धनिया, इसको भी मिला लेंगे। चिकन और मसाले को अच्छे से मिलाने के बाद चिकन को ढक के हम गैस को लो करके 2 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे। गैस को लो रखना है। चिकन को देख लेते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स चिकन कितने अच्छे से फ्राई हो गए। आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, ऐसे भी खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। बट मैं थोड़ा सा यहाँ ग्रेवी दूंगी, इसलिए मैं यहाँ पे 1 कप पानी डालूंगी। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे ढक देंगे और 3 मिनट के लिए गैस पे छोड़ देंगे ढक के। गैस को रखेंगे मीडियम। मिलते हैं 3 मिनट के बाद। ये देखिए फ्रेंड्स चिकन बनके तैयार हो गया है। ये देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है। अब गैस को कर देंगे ऑफ, सर्व करने के लिए रेडी हो गया। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी लाइक करें, शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए चिकन सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स चिकन को सर्व कर लिए हैं। चिकन कितना अच्छा बना हुआ है। आई होप रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।